दोस्तों जितने भी लोग YouTube पर देख रहे हैं सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस क्लास के अंदर। खुशी, रोहित, भूपेंद्र, काजल सभी लोगों का स्वागत। फटाफट कुछ लोग और कनेक्ट होते हैं फिर हमारा MCQs जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज का। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? फर्स्ट वुमेन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? आनंदी बेन पटेल, उमा भारती, सरोजनी नायडू या श्रीमती सरला ग्रेवाल? इनमें से कौन है? आंसर दीजिएगा। फर्स्ट का पोल दे रहा हूं, सभी लोग आंसर देने के लिए तैयार रहे। मध्य प्रदेश की प्रथम, जितने भी लोग YouTube पर वॉच कर रहे हैं दोस्तों आप थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो आपको बिल्कुल एकदम साफ दिखाई देने लगेगा। मध्य प्रदेश की फर्स्ट महिला राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल थी। फ्रेंड्स ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है। अनिता बैरागी जी बिल्कुल सही आंसर है। सीतू पोरसे जी, गुड इवनिंग सीतू जी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एकमात्र राज्यपाल जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है वो कौन है? कुंवर महमूद अली खान साहब, बलराम जाखड़ साहब, रामेश्वर ठाकुर साहब या निरंजन नाथ वांचू? इनमें से कौन है जिनका मध्य प्रदेश में ही जन्म हुआ है? आंसर दीजिएगा। जो लोग YouTube पर वॉच कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर के आगे ABCD लिख करके आंसर दें ताकि मैं उनको पता कर पाऊं। सीतू, हाँ रविंद्र सिंह लोधी जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। सेकंड जो है फ्रेंड्स निरंजन नाथ वांचू, निरंजन नाथ वांचू इनका जो जन्म था वो सतना में हुआ है। ठीक है, निरंजन नाथ वांचू साहब का जन्म सतना में हुआ है और ये मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं जिनका मध्य प्रदेश में ही जन्म हुआ। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हु डाइड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, कुंवर महमूद अली खान, लालजी टंडन साहब, बलराम जाखड़ साहब और श्री रामेश्वर ठाकुर? आंसर दीजिए। गुड इवनिंग विवेक जी। जितने भी लोग न्यू क्लास में आए हैं दोस्तों क्लास को कम से कम आप जो है 15 मिनट जरूर देखिएगा। सीतू जी आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लो दिखने लगेगा। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, पोल दे रहा हूँ फ्रेंड्स मैं फिर से, आंसर दीजिएगा। हाँ, आ गया था मुझे समझ में। PSC के पूरे टॉपिक आशीष श्री जी, मैं टॉपिक वाइज यहाँ पर MCQ करवा रहा हूँ है ना। जैसे कल भारत की नदियों का होगा, कल किसका होगा? भारत की नदियों का है ना। तो पूरे टॉपिक में से मैं कुछ सब्जेक्ट्स करवाऊंगा, कुछ सब्जेक्ट जैसे MP है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है ना, इनके मैं MCQs आप लोगों को करवाने वाला हूँ। दोस्तों लालजी टंडन साहब है जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई है और ये सबसे अधिक उम्र के राज्यपाल रहे हैं, ये सबसे अधिक एज के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, अब है चौथा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं ये बताना है आप लोगों को, बलराम जाखड़ साहब, रामेश्वर ठाकुर साहब, श्री राम नरेश यादव साहब या निरंजन नाथ साहब? कौन रहे हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? नेहा चौहान जी, अभी तो फॉर्म भर दीजिए आप और जब वहां पर आपका सिलेक्शन होता है तो वहां पर आप बता दीजिएगा कि मिस्टेक हो गया था, हमने अपडेट करवा लिया है। ठीक है, हाँ विवेक जी
3:30 वाली क्लास जो है वो अब इतने बजे हो गई अपनी, 9 PM पर अब ये क्लास हो गई आपकी, ठीक है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं फ्रेंड्स, उनका नाम है श्री बलराम जाखड़ साहब। काफी IMP क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अब तक सबसे युवा राज्यपाल कौन रहे हैं, है ना, कौन रहे हैं? आनंदीबेन पटेल रहे हैं, श्रीमती सरला ग्रेवाल रही हैं, श्री रामेश्वर ठाकुर रहे हैं, निरंजन नाथ। इनमें से कौन रहे हैं जो मध्य प्रदेश के सबसे युवा राज्यपाल रहे हैं? YouTube पर भी आंसर दीजिएगा दोस्तों, YouTube पर भी जितने लोग देख रहे हैं। मित्रों, श्रीमती सरला ग्रेवाल जो है वो सबसे युवा राज्यपाल रही है मध्य प्रदेश की, है ना, सबसे कम एज इन्हीं की रही है, शायद 62 ईयर के आसपास थी ये, और तभी ये राज्यपाल बन गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अब तक, हाँ, 61 62 उसी के आसपास बोला मैंने, ईयर नहीं पूछा जाएगा आपसे वहां। मध्य प्रदेश में अब तक सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल कौन रहे हैं? हु हैज बीन द ओल्डेस्ट गवर्नर इन मध्य प्रदेश सो फॉर, अभी तक आंसर दीजिएगा। बहुत कम उम्र में बन गई थी। फाइव का बी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सही। लालजी टंडन साहब जो थे वो मध्य प्रदेश के सबसे अधिक उम्र के राज्यपाल बने थे, और इनकी पद पर रहते मृत्यु भी हुई है, डेथ भी इनकी पद पर रहते हुई है। अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके मेंबर भी रहे हैं, इनमें से वो कौन से हैं? बी पट्टाभि सीतारमैया, HV पाटसकर, या श्री KC रेड्डी, या उपरोक्त सभी। गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हु वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आंसर दीजिएगा भैया। सचिन एस, लक्ष्मी सोन जी, देविका, प्रिया जी, स्वागत है आप तीनों का। क्लास में अंत तक बने रहें, बहुत ही यूनिक टाइप के क्वेश्चंस आज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सातवें का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, उपरोक्त सभी बी पट्टाभि सीतारमैया, HV पाटसकर, KC रेड्डी, ये सभी हमारे यहाँ पर जो संविधान सभा बनी थी, जिसने हमारा संविधान बनाया है, उसके क्या थे ये सदस्य रहे हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में लाल कोठी के नाम से जाने जाने वाला भवन वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है ना? लाल कोठी भवन बनाया गया था ब्रिटिश जो एजेंट थे उनके रहने के लिए, भोपाल की जो बेगम थी उनके द्वारा बनवाया गया था, तो वो अब किस नाम से जाना जाता है? वल्लभ भवन, पर्यावास भवन, राजभवन, या शक्ति भवन? प्रतिज्ञा शर्मा जी स्वागत है, आंसर दीजिए, आंसर देते जाएं, जितने भी लोग YouTube पर मुझे वॉच कर रहे हैं सभी लोग आंसर देते जाएं। चलो, आठवें का आंसर है दोस्तों, वो अब राजभवन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कौन बैठ रहे हैं? लाल कोठी अब किस नाम से जाना जा रहा है? राजभवन, जिसमें राज्यपाल रहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं दोस्तों, तो मैं दोनों ही तरीके का मिक्स कर दे रहा हूँ, थोड़े टफ भी थोड़े सरल भी। पंडित श्यामाचरण शुक्ल शाह, पंडित रविशंकर शर्मा, पंडित गोविंद नारायण शुक्ला, पंडित रविशंकर शुक्ल। सोनू गुप्ता जी स्वागत है आपका हमारी क्लास में, नरेंद्र यादव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिट्टू दीक्षित जी, पूनम यादव जी, सही आंसर है आप लोगों का। दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल साहब मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के भी मुख्यमंत्री थे, और जब हमारा मध्य प्रदेश बना
तब पंडित रविशंकर शुक्ल ही हमारे प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे। बाबरी मस्जिद जो घटना हुई थी उसके समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मोतीलाल वोरा साहब, सुंदरलाल पटवा साहब, कैलाश जोशी साहब और वीरेंद्र कुमार सकलेसर साहब। जब बाबरी मस्जिद का केस हुआ था उस समय चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के कौन थे? आंसर दीजिएगा। राजपाल जी स्वागत है। बहुत बढ़िया डिंपल सोलंकी जी, सही आंसर है आप लोगों का। 10th का आंसर दीजिएगा दोस्तों। बाबरी मस्जिद की घटना के समय मुख्यमंत्री कौन थे? उसी समय हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन भी लगा था, तो उस समय तीसरा राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ लगा था 1992 में। उस समय सुंदरलाल पटवा जो थे हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री थे ना। ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है मध्य प्रदेश में उस समय कौन सीएम थे, कौन राज्यपाल थे, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया रुचि। बुलबुल जी स्वागत है आपका। राजपाल, सुप्रन जी, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर। कंटिन्यू रहे दोस्तों, डेली 9 PM पर क्लास रहेगी। कल भारत की नदियों के हम MCQ करेंगे, तो भारत की नदियां अच्छे से पढ़ करके आए आप लोग। भारत की नदियां जो हैं वो अच्छे से पढ़ करके आए आप लोग। मध्य प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन किस दिनांक को लगाया गया था? आ जाएगा अथर्व, आ जाएगा, सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। कल भारत की नदियों के अच्छे से पढ़ के आए, उसके MCQs अपन करेंगे रात को 9 बजे। मध्य प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन किस दिनांक को लगाया गया था? फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल। आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश का फर्स्ट जो प्रेसिडेंट रूल लगा था वो 30 अप्रैल 1977 को लगा था। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होगा कि MP का जो फर्स्ट है वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो 30 अप्रैल 1977 को ये लगाया गया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आएगा रुचि उसका क्वेश्चन आएगा, इसलिए नहीं बताया हमने, है ना। मध्य प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन 1977 के समय मुख्यमंत्री कौन थे? 1977 में हमारे यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल लगा था, उस समय चीफ मिनिस्टर कौन थे हमारे यहाँ पे? मोतीलाल बोरा साहब, सुंदरलाल पटवा साहब, श्यामाचरण शुक्ल साहब या कैलाश जोशी साहब? फर्स्ट जब लगा था तब की बात है। आंसर दीजिएगा। अनीता बैरागी जी 12वीं का आंसर दीजिएगा। मोनिका जी गलत हो गया आंसर। खैर कोई दिक्कत नहीं है, विथ यूट्यूब वाले विथ क्वेश्चन नंबर आंसर दें, जैसे 12 का ए देना चाहते हैं, बी सी डी जो भी देना चाहते हैं आप लोग। श्री श्यामाचरण शुक्ल साहब थे दोस्तों उस समय, है ना। 1977 में जब 30 अप्रैल 1977 को हमारे यहाँ पर पहला प्रेसिडेंट रूल लगा था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम राष्ट्रपति शासन 1977 के समय राज्यपाल कौन थे? उस समय गवर्नर कौन थे? हु वाज द गवर्नर ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल 1977 इन मध्य प्रदेश? बलराम जाखड़ साहब, रामेश्वर ठाकुर साहब, सत्यनारायण सिन्हा साहब, श्रीमती सरला ग्रेवाल साहब। आंसर दीजिएगा। हिस्ट्री का एक दिन का रखो, क्या कहना चाह रहे हो अथर्व आप? रवि कुमार जी स्वागत है आप लोगों का। हिस्ट्री का एक दिन तो रखें, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है। आंसर दीजिए। 13वें का सी आंसर है, बहुत बढ़िया। थर्ड का 13वें का जो आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? सी आंसर है, सत्यनारायण सिन्हा। ये उस समय हमारे यहाँ के राज्यपाल थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा 1980, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोतीलाल बोरा, सुंदरलाल पटवा, श्यामाचरण शुक्ल या कैलाश जोशी साहब? अमित चढ़ार जी स्वागत है आपका हमारी क्लास में। अथर्व, एमपी की हिस्ट्री का कह रहे हो कि इंडियन हिस्ट्री का कह रहे हो आप?
दोस्तों सुंदरलाल पटवा साहब थे जब दूसरी बार हमारे यहाँ पर 1980 में क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, है ना। देखते हैं अगर हम लोग इसको, तो ये लगा हुआ था 18 फरवरी 1980 को, है ना, और उस समय सुंदरलाल पटवा साहब क्या थे, मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, अब मध्य प्रदेश में द्वितीय राष्ट्रपति शासन 1980 के समय राज्यपाल कौन थे, श्रीमती सरला ग्रेवाल, सी एम पुनाचा और राम प्रकाश गुप्त, मोहम्मद शफी कुरैशी साहब। अच्छा, हड़प्पा वगैरह की बात कर रहे हो, हड़प्पा वगैरह का भी ले लेंगे अथर्व, ठीक है। अभी क्या है, अभी पॉलिटी, ज्योग्राफी और एमपी तीनों का अपन ने किया हुआ है, ठीक है। दोस्तों सीएम पुनाचा साहब उस समय हमारे यहाँ पर राज्यपाल थे जब दूसरा राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ लगा हुआ था। टोटल 3 बार लगा है हमारे यहाँ, 1977 में लगा हुआ है, 1980 में लगा हुआ है और 1992 में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तृतीय राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, व्हेन वाज द थर्ड प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन मध्य प्रदेश। ये तो आप लोगों का क्या चला गया, बोनस टाइप का चला गया, इसमें 100% कर देना है। आंसर दीजिए फटाफट फटाफट दोस्तों, और जो लोग यूट्यूब पर वॉच कर रहे हैं लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा वीडियो को। तो 1992 में हुआ था दोस्तों ये, 1992 का अगर हम लोग डेट देखें तो ये हुआ था 16 दिसंबर 1992, है ना, 16 दिसंबर 1992 को ये राष्ट्रपति शासन लगा था, जो हमारा तीसरा लगा हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तृतीय राष्ट्रपति शासन जो लगा था 1992 में लगा था, उस समय हमारे यहाँ के सीएम कौन थे, मोहिनी तिवारी जी स्वागत है। अच्छा, एग्जाम में भी, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही करना पड़ेगा हम लोगों को आकर के, ऐसा कहना चाह रहे हो। जो नाम है ना अभी नेहा, जो नाम है अभी उसमें आपके आधार कार्ड में, उसी नाम से भर दीजिए फॉर्म, है ना, और बाद में करेक्शन करवा लीजिएगा। दोस्तों सुंदरलाल पटवा साहब ही थे, सुंदरलाल पटवा साहब ही थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तृतीय राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे, मध्य प्रदेश में तृतीय राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे, राम प्रकाश गुप्ता, मोहम्मद शफी कुरैशी, कुंवर महमूद अली खान या रामेश्वर ठाकुर। फटाफट फटाफट आंसर दीजिएगा दोस्तों, जो लोग YouTube पर आंसर दे रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिएगा, ए बी सी डी, जो जो भी आप देखना चाहें। दोस्तों कुंवर महमूद अली खान साहब थे, है ना, हमने बताया 1977 में लगा है, 1980 में लगाया हमारे यहाँ और 1992 में लगा है हमारे यहाँ, ठीक है, 3 समय हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सचिवालय वल्लभ भवन का निर्माण कब हुआ है, हमारा जो वल्लभ भवन है भोपाल के अंदर उसका निर्माण कब हुआ है, 56, 60, 63, 65।
19वें का आंसर दीजिएगा, 19वें का आंसर दीजिएगा आप दोस्तों, मध्य प्रदेश सचिवालय वल्लभ भवन कब बना है? महिमा शर्मा जी, गुड। दोस्तों मध्य प्रदेश सचिवालय जो वल्लभ भवन है भोपाल में, वो 1965 में बना है, और यहाँ पर मंत्री लोग बैठते हैं और उनके सचिव लोग बैठते हैं वल्लभ भवन भोपाल में। लीडरशिप बोर्ड की कंडीशन अभी ये है, राहुल टॉप पर है, फिर अथर्व है, फिर रुचि है, फिर शांतनु है, फिर उसके बाद में कुलदीप गुज्जर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, मध्य प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त कौन थे? मध्य प्रदेश के फर्स्ट लोकायुक्त, हु वाज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश? श्री नरोत्तम विनायक दीक्षित जी, श्री विनायक दामोदर दीक्षित जी, श्री पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित जी, श्री रघुनाथ जगन्नाथ भावे। आंसर दीजिएगा 20वें का आंसर। चलिए, यहाँ यूट्यूब पर भी अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा है, गुड। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम किस सन का है? उन्नीस सौ इक्यासी का है ना? और लोकायुक्त का गठन कब हुआ है? 1982 में, है ना? 81 का अधिनियम है, 82 में लोकायुक्त का गठन हुआ है। चलो, इन्हें कंफ्यूज कर दिया। अच्छा, चलिए अब ये अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, जो कि 20वां क्वेश्चन रहेगा, भले ही से यहां पर 1 लिखा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य महाधिवक्ता का कार्यालय किस शहर में है ना? इन विच सिटी इज मध्य प्रदेश स्टेट एडवोकेट जनरल ऑफिस? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, है ना? मेन ऑफिस कहाँ पर है ये बताना है आपको, एडवोकेट जनरल का। मेन ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल दोस्तों, डेली क्लास है कल अपनी, भारत की नदियां आप लोग पढ़ के आना, है ना? भारत की नदियां, रिवर ऑफ इंडिया, उसका अपन कल एमसीक्यू करेंगे, ठीक? और परसों, परसों अपन किसका करने वाले हैं? मध्य प्रदेश की पंचायत और नगर पालिका, जबलपुर में है फ्रेंड्स, जबलपुर में हमारा हाई कोर्ट है और वहीं पर हमारे महाधिवक्ता का मेन ऑफिस है। हाँ, इसी टाइम, इसी टाइम 9 PM पर ही, अब सारी क्लासेस 9 PM पर ही है अपनी एमसीक्यू वाली। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में प्रथम सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? हु वाज अपॉइंट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? श्री एन श्रीवास्तव, पी एन श्रीवास्तव, टी एन श्रीवास्तव या श्री राहुल सिंह? आंसर दीजिएगा भाई, यूट्यूब पर भी बढ़िया पार्टिसिपेशन हो रहा है सभी लोगों का, गुड। रोज डेली हमारा ये 9 से क्लास रहेगा दोस्तों। लीडरशिप बोर्ड देख लीजिए आप लोग, अथर्व जो है वो अभी टॉप पर है, फिर राहुल है, फिर शांतनु है, फिर कुलदीप है, रुचि कौन से गलत हो गए, टी एन श्रीवास्तव साहब प्रथम सूचना आयुक्त है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सूचना आयोग मध्य प्रदेश में कब गठित किया गया था? कब गठित किया गया था? 2005 में, है ना? और उसके प्रथम सूचना आयुक्त कौन बनाए गए थे? टी एन श्रीवास्तव साहब बनाए गए थे हमारे यहाँ पे। मध्य प्रदेश की वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है?
हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ मध्य प्रदेश? आंसर दीजिए। जितने भी लोग मुझे YouTube पर वॉच कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी लोग अनअकैडमी ऐप के ऊपर आ जाइए फटाफट, क्योंकि यहाँ पर लीडरशिप बोर्ड में पार्टिसिपेट करिए। डेली क्लास रहेगी हमारी रात को 9 बजे। कल भारत की नदियों के एमसीक्यूज हम लोग करेंगे, है ना? तो भारत की नदियां पढ़ के आ जाइए, उसके एमसीक्यूज हम लोग कल करेंगे। अथर्व पाटीदार अभी गोल्ड मेडलिस्ट है, सिल्वर मेडलिस्ट है राहुल, और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है शांतनु। तो रैंक लगेगी आप लोगों की अनअकैडमी ऐप के ऊपर। डॉक्टर धवर जी स्वागत है आपका। विवेक जौहरी जी अभी क्या है फ्रेंड्स, हमारे डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, टेलीग्राम लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, है ना? MPPSC 10 करके है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय जेलों की संख्या कितनी है? सेंट्रल जेल कितने हैं एमपी में? 10, 11, 12 या 13, कितने हैं सेंट्रल जेल बताइएगा। बहुत बढ़िया, यूट्यूब के ऊपर भी अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा है, गुड गुड। भैया हमारे यहाँ पर एट प्रेजेंट 11 सेंट्रल जेल हैं, 11 सेंट्रल जेल है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अभी खुली जेलों की संख्या कितनी है? ओपन जेल जो है मध्य प्रदेश में वो कितने हैं ये बताना है आप लोगों को, ठीक है? 5, 6, 7 या 8? अनीता बैरागी जी आंसर दीजिएगा। अभी मध्य प्रदेश में कितनी खुली जेल है? मध्य प्रदेश में अभी खुली जेलों की संख्या है 6, ओपन जेल अभी अपने यहाँ पर 6 हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम नवजीवन शिविर जो मुंगावली में बना था, हालांकि हमारे प्रथम खुली जेल कहाँ पर बनी थी? फर्स्ट खुली जेल हमारे यहाँ पर कहाँ पर बनी थी? होशंगाबाद में बनी थी, ठीक है? और प्रथम नवजीवन शिविर जो बना था वो बना था मुंगावली अशोकनगर में। नवजीवन शिविर कॉन्सेप्ट अलग है और खुली जेल कॉन्सेप्ट अलग है। तो खुली जेल बनी थी होशंगाबाद में पहली हमारे, और नवजीवन शिविर कब बना था यहाँ मुंगावली में? कोई बात नहीं अनीता जी, कल आप बिल्कुल तैयारी करके आए, कल भारत की नदियों का एमसीक्यू होगा, ठीक है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आंसर दीजिए। अरे वो YouTube पर भी नजर रखने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। चलो तो पोल में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना? 1973 में ये बनाया गया था, नवजीवन शिविर मुंगावली में पहला हमारे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, दूसरा नवजीवन शिविर जेल कहाँ पर है? सेकंड नवजीवन शिविर जेल कहाँ पर है? सतना में, पन्ना में, रीवा में, भोपाल में? आंसर दीजिए। दूसरा जो नवजीवन शिविर है वो लखीमपुर पन्ना में स्थापित किया गया है ना? खुली जेल और जो आपका नवजीवन शिविर होता है, खुली जेल में क्या होता है कि जो कैदी होते हैं उनको एक फ्लैट दे दिया जाता है, वहां अपने परिवार के साथ में रहते हैं, दिन में वो
मजदूरी करने जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं टाइम से अपने परिवार के पास में। इस तरीके की वो जेल होती है। और जो नवजीवन शिविर होता है उसमें थोड़ी सी कम सुविधाएं दी जाती है, इतनी ज्यादा चीजें नहीं दी जाती हैं। लखीमपुर पन्ना में नवजीवन शिविर स्थापित किया गया था। महिला अपराध शाखा के तहत मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में महिला सेल का गठन कब किया गया था? 2010, 11, 12, 13। एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। प्रत्येक जिले में महिला सेल का गठन कब किया गया था? प्रत्येक जिले में हमारे यहाँ पर महिला सेल का गठन कब हुआ था? 2012 में हुआ था, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश में पुलिस बैंड स्कूल किस स्थान पर है? भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में है या सागर में है? पुलिस बैंड स्कूल। मध्य प्रदेश में पुलिस बैंड स्कूल कहाँ पर है? पुलिस बैंड स्कूल जो है मध्य प्रदेश में वो भोपाल में है। जैसे पुलिस का अपना एक बैंड होता है, सभी लोग जानते हैं, है ना, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी पर वो बैंड बजाया जाता है, तो वो जो पुलिस बैंड है उसको सिखाने का स्कूल कहाँ पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस शहर में नारकोटिक शाखा नहीं है? नारकोटिक्स की शाखा नहीं, नारकोटिक्स ब्रांच नहीं है, मंदसौर, नीमच, इंदौर या खंडवा? पुलिस बैंड का मतलब होता है जो बजाया जाता है ना बैंड, उसकी बात चल रही है। 26 जनवरी, 15 अगस्त पर जो बैंड बजाया जाता है। फिर खंडवा में हमारे यहाँ नारकोटिक शाखा नहीं है, नारकोटिक्स मतलब वो ड्रग्स वगैरह से जो रिलेटेड होता है। ठीक है, मंदसौर में है, नीमच में और इंदौर में है, तो इंदौर संभाग के अंतर्गत ही खंडवा आता है, इसलिए खंडवा वगैरह में कुछ नहीं, इंदौर के अंदर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में प्रथम महिला थाना किस शहर में स्थापित किया गया था? फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन, इंदौर में, भोपाल में, देवास में या ग्वालियर में? पहला महिला पुलिस थाना। पहला महिला पुलिस थाना भोपाल में स्थापित किया गया था, फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन। 11वां क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, देश का पहला आईएसओ 9001 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला डीआईजी ऑफिस कौन सा है? विच इज द डीआईजी ऑफिस टू गेट द कंट्रीज फर्स्ट आईएसओ 9001 2000 सर्टिफिकेट? इंदौर में है, भोपाल में है, जबलपुर में है या ग्वालियर में है? लखन मोरे जी, स्वागत है आपका क्लास में। फटाफट फटाफट आंसर दीजिएगा दोस्तों। इंदौर के अंदर जो डीआईजी ऑफिस है फ्रेंड्स, वो पूरे देश का प्रथम डीआईजी ऑफिस है, जिसको कि आईएसओ 9001 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में अपराध प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? वेयर इज द क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर क्राइम कैसे होता है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस वालों को, ताकि वो चेक कर सकें कि किस प्रकार से क्राइम हुआ है। दिलीप यादव जी, स्वागत है आपका। गोपाल गुर्जर परिहार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
सागर के अंदर अपराध कितने प्रकार से किए जाते हैं उसका प्रशिक्षण दिया जाता है पुलिस वालों को, ताकि कुछ भी अपराध हुआ है तो उसको उसको चेक करने के लिए भी कैसे हम उसको पकड़ सकते हैं अपराधी को। ठीक है, सागर में अपराध प्रशिक्षण केंद्र है। मध्य प्रदेश विशेष बल अधिनियम कब का है? मध्य प्रदेश स्पेशल फोर्स एक्ट 58, 68, 78, 1988। लखन मोरे जी, उदयलाल बोस जी, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों विशेष बल अधिनियम 1968 का है मध्य प्रदेश का, जिसमें जो हमारे यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर प्रोटेक्शन के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, मध्य प्रदेश में सीआईडी, सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में है, भोपाल में है, जबलपुर में है या ग्वालियर में है? आदित्य भदौरिया जी, स्वागत है आपका क्लास में। सीआईडी का ऑफिस कहां पर है? भैया मध्य प्रदेश में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का मुख्यालय भोपाल के अंदर पड़ता है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, सरला ग्रेवाल, आशा गोपालन या सरोज सक्सेना? फर्स्ट आईपीएस ऑफ एमपी। कल भी रहेगी अपनी ये क्लास, कल भारत की नदियां रहेंगी, भारत की नदियों के एमसीक्यूज कल करने वाले हैं। दोस्तों तो प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? श्री आया जो आशा गोपालन है वो थी हमारे यहाँ की पहली महिला आईपीएस, भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी, तो सबको जानकारी है ही। अब अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, मध्य प्रदेश के किस शहर में महिला जेल स्थापित की गई है? कहाँ पर है महिला जेल? इंदौर में है, भोपाल में है, जबलपुर में है या ग्वालियर में है? महिला जेल, एक तो पहली महिला जेल कहां पर स्थापित की गई थी? होशंगाबाद ना। मध्य प्रदेश का फर्स्ट जो महिला जेल था वो होशंगाबाद में स्थापित किया गया था और दूसरा जबलपुर में बनाया गया। दो महिला जेल है मध्य प्रदेश में, एक जो होशंगाबाद में और एक जबलपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, मध्य प्रदेश में किशोर बंदी गृह कहां पर है? वेयर आर द जुवेनाइल कैप्टिव होम्स या हाउस इन मध्य प्रदेश कहां पर है? इंदौर भोपाल में है, होशंगाबाद भोपाल में है, राजगढ़ नरसिंहपुर में है, नरसिंहपुर जबलपुर में है? कहां पर किशोर बंदी गृह? जैसे जो किशोर होते हैं मतलब जो वयस्क नहीं होते हैं और उनके द्वारा मर्डर हो जाता है या और कोई भी अपराध करते हैं तो उनको कहाँ रखा जाता है? दो जगह है अपने यहाँ पर, नरसिंहपुर और जबलपुर, जहां पर उनको रखा जाता है। दो किशोर बंदी गृह अभी मध्य प्रदेश में है उनके लिए। हाँ प्रमोद धुर्वे जी आपका जबलपुर भी है कुछ। आशा रॉय जी स्वागत है। रिया ए जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कल भारत की नदियां रहेंगी, सॉरी कल भारत की नदियां हैं, है ना, भारत की नदियों के कल एमसीक्यूज होंगे। मध्य प्रदेश में जेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है?
जेल से रिलेटेड ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? भोपाल में, मऊ में, सागर में या इंदौर में? मैं नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं ना, मेरे को देख के क्या करोगे अंकिता? बोल देखो, क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, बस ठीक है और क्या। सागर में है फ्रेंड्स, जेल प्रशिक्षण संस्थान हमारे यहाँ पर सागर में ट्रेनिंग दी जाती है जेल से रिलेटेड, है ना, कि भाई जेल में कैदियों को कैसे रखा जाना चाहिए, ये वो सारी चीजें वहां पर सिखाई जाती है। मध्य प्रदेश का प्रथम साइबर फॉरेंसिक लैब, वेयर इज द फर्स्ट साइबर फॉरेंसिक लैब स्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश? ये तो साइबर सिक्योरिटी, तो अभी ये जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप लोगों के पीएससी प्रीलिम्स में, तो इंदौर, सागर, भोपाल, जबलपुर, कहाँ पर है भैया ये? हाँ बिल्कुल, अभिषेक पटेल जी, भैया आंसर दीजिए। अरे भैया, साइबर फॉरेंसिक लैब भोपाल में है, फॉरेंसिक लैब सागर में है, ठीक है, साइबर फॉरेंसिक लैब भोपाल में है, लेकिन फॉरेंसिक लैब कहाँ पर है? सागर में। दोनों का आंसर अलग अलग है, कंफ्यूज हो गए? चलो कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखो। मध्य प्रदेश का साइबर पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है? साइबर पुलिस का हेडक्वार्टर भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सागर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश का साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल में ही है, साइबर फॉरेंसिक लैब भी भोपाल में हो, साइबर पुलिस मुख्यालय भी भोपाल के अंदर ही स्टेब्लिश किया गया है। ओके चलिए, अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी जो भौरी कला भोपाल में स्थापित की गई, वो किस वर्ष की गई है? 8 जून, 10 जून, 12 जून या 14 जून? आंसर दीजिए भाई। दोस्तों ये अभी तक का लीडरशिप बोर्ड है, अथर्व है, राहुल है, रुचि है, भी टॉप 3 में चल रहे हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। ये दोस्तों 10 जून 2013 को स्थापित की गई है भौरी कला भोपाल में मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी। जवाहर पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? सागर में। मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी को कहाँ पर स्थापित किया गया? भोपाल में 10 जून 2013 को स्थापित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ली जाइए, कल भारत के नदियों के एमसीक्यू होंगे रात को 9 बजे। दोस्तों जो टॉपिक आप लोगों के पीएससी के अंदर है और कांस्टेबल में है, वो दोनों ही मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को। इसके अलावा मेरा कॉन्टिनेंट का एक कोर्स चल रहा है प्लस के ऊपर, जो कि 5 बजे है, अगर आप प्लस पर हैं तो 5 बजे रोज डेली उसको देखें, 9 बजे डेली ये आप लोगों की क्लास रहेगी। इसके अलावा 11 तारीख से मेरा एक प्लस का कोर्स आ रहा है कांस्टेबल के लिए, वो पॉलिटी का कोर्स है, लेकिन उस कोर्स में मैं एमपीपीएससी वालों को रिवीजन भी करवा दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी उसमें, ये प्लस के कोर्सेज हैं। बाकी स्पेशल क्लास तो मेरी चली रही है 9 PM के ऊपर आप लोगों के लिए, है ना। और जितने भी लोग अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग मेरा कोड यूज करिएगा लोक लाइव, LOKLIVE, ताकि आप लोग 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर पाए। एक चीज और है दोस्तों, कि ये जो 10% का डिस्काउंट है हर टीचर के कोड के ऊपर, वो 28 फरवरी तक ही वैलिड है। 28 फरवरी के बाद में जब 1 मार्च हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा, ठीक है। ये जो मिलने वाला आप लोगों को है, वो केवल 5% आप लोगों को हो जाएगा। तो कल मिलते हैं दोस्तों हम लोग रात को 9 बजे भारत की नदियों के एमसीक्यू के साथ।
लीडरशिप बोर्ड में आप लोगों को दिखा देता हूं। लोक लाइव कोड का उपयोग करिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर पाए। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं सब्सक्रिप्शन लेने में, वो सभी लोग रुक जाएंगे। अथर्व टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आज के। राहुल जो है वो सिल्वर मेडलिस्ट हैं, रुचि जो है वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं आज के। कितने क्वेश्चन थे आज? 40 क्वेश्चन थे आज करिश्मा। और दोस्तों जैसे कि फ्री अगर आप लोग क्लास ले रहे हैं और वर्सेस प्लस क्लासेस की बात करें, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। फ्री क्लासेस में लिमिटेड सिलेबस कवर्ड होता है, कंप्लीट सिलेबस तो प्लस क्लासेस में ही आप लोगों का कवर होगा। जैसे मैंने फ्री क्लास के अंदर आपको यूनिट 5 का पार्ट A कंप्लीट करा दिया, यूनिट 5 का पार्ट A कंप्लीट करा दिया। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि पूरा का पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा उससे, केवल पार्ट A फ्री में कंप्लीट हुआ है, बाकी तो आपको प्लस पर आकर के करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी डिसीजन ले लीजिएगा, क्योंकि अभी ये 3 कोर्सेस बहुत ही बढ़िया कोर्सेज आए हुए हैं, 1 फरवरी को, 2 फरवरी को और 2 फरवरी को। एक 2019 मेंस का बैच आया हुआ है और एक सब इंस्पेक्टर SI का बैच आया हुआ है 2 फरवरी को, और एक 10 मंथ का फाउंडेशन बैच आया हुआ है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस विथ आंसर राइटिंग 2 फरवरी को, है ना। तो आप लोग सब्सक्रिप्शन लें तो लोक लाइव कोड का उपयोग करिएगा, LOKLIVE, ताकि आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर पाए। जब भी सब्सक्रिप्शन लें, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करें, और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में इस तरीके के स्क्वायर आ जाएंगे। एक में 8,800 लिखा रहेगा जो 1 साल का है, एक में 12,800 लिखा रहेगा जो 2 साल का है। जो भी आप लोगों को लेना है वो ले लीजिएगा दोस्तों। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप 1 साल का ले सकते हैं, और यदि मान लीजिए आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, 2 साल का ले लीजिए दोस्तों। ओके, 2 साल में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। है वे रेफरल कोड में लोक लाइव डालें, उसको अप्लाई करें तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी 28 फरवरी तक ये 7,920 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 11,520। और फिर प्रोसीड टू पेमेंट पर जाकर के पेमेंट कर दें, ताकि आप लोग प्लस क्लासेस अच्छे से दे पाए। 9 PM पर ही रहेगा अथर्व, ठीक है। दिन भर आप लोग पढ़ाई करो अपना, है ना, और रात को आराम से 9 से 10 MCQ लगाओ, थोड़ा बहुत और पढ़ो और फिर पढ़ के सो जाओ। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं पुनः, है ना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।